नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। चुपचाप यहाँ रख दे पीपल के 11 पत्ते, 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। जय बजरंगबली की। दोस्तों कैसे हो आप सब? प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो। दोस्तों यदि आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन लाभ प्राप्त नहीं होता है तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ खास और आसान उपाय बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पीपल के 11 पत्तों के बारे में बताऊंगा। चुपचाप यहाँ रख दे पीपल के 11 पत्ते, 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। पीपल के 11 पत्तों के सबसे आसान और खास उपाय के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको इसमें पीपल के बारे में कितनी सारी खास बातें हैं और पीपल के पेड़ से जुड़े हुए कितने सारे आसान उपाय हैं, जैसे दीपक जलाना, यह सब के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीपल के पत्तों के खास उपाय के बारे में। चुपचाप यहाँ रख दे पीपल के 11 पत्ते, 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। कैसे आप अपने भाग्य को पीपल के पत्तों के उपाय से जगा सकते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवी देवता में से एक है। रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया था। उसी वरदान के प्रभाव से इन्हें भी हम ये मानते हैं कि कलयुग में एक कलयुग के देवता है। जिस प्रकार माता को कलयुग के देवी माना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है। अगर कोई भगवान जीवित है तो भगवान हनुमान जी ही जीवित है, और कलयुग में हनुमान जी की भक्ति की से आपको सभी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो सकती है। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में से एक उपाय सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, जानेंगे उस उपाय की उसकी विधि क्या है, उसको विधिवत किस प्रकार से पूरा किया जाए जिससे आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव फल मिल जाए। दोस्तों यह उपाय पीपल के पत्तों से किया जाता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते ही भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है, कोई रोग हो तो वह भी नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो तो पवन पुत्र की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप जय बजरंगबली अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी का केवल नाम स्मरण करने से ही आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों जितना ज्यादा आप जय बजरंगबली लिखते हैं दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपके पुण्य कर्म वृद्धि होती है, और भगवान श्री हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बनने लगती है, और आपके सुख दर्द बिना किसी उपाय के भी आधे दुख दर्द तो वैसे ही दूर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित उच्चारण करते हैं या नियमित पूजा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में से सारी परेशानी अपने आप ही कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों अगर आप जय बजरंग बली लोगों से बोलते हैं या उनसे बुलवाते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपसे पैसों की तंगी का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप फिर भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, और इसके लिए आपको बस 11 पत्ते चाहिए पीपल के पेड़ के। जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ के 11 पत्ते। तो अब बात करते हैं कैसे आपको करना है यह उपाय। दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठ करके आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है। नहा ले अपने घर में जो भी आप सामान्य पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले आप उसे कर ले। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, और पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप जाएं, वहाँ जाकर, और अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ मौजूद नहीं है, कहीं दूर है, तो आप पीपल के पत्ते पहले से ही लाकर अपने घर के पूजा मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको, इस उपाय के लिए आपको पीपल के पत्ते तोड़ करके लेकर आने हैं। पत्ते तोड़ते समय आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि पीपल के पत्ते पूरे होने चाहिए। जो पत्ते आप तोड़ेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि कैसे भी टूटे फूटे या कहीं से गले सड़े हुए या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, कोई दाग धब्बा या छेद नहीं होना चाहिए। आपको पूर्ण पत्ते लेकर के आने हैं। इन 11 पत्तों पर आपको स्वच्छ जल से धो लेना है। इन पत्तों को आपको स्नान करवा लेना है।
स्वच्छ जल से धो लेने के बाद आपको घर में अगर गंगा जल है तो आप उसे भी उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। अब 11 पत्ते आप अपने सामने रख लें। अब एक साथ 11 पत्ते रखने के बाद उन्हें शुद्ध कर लें और धो देने के बाद आपको इन पर कुमकुम लगा लेना है या अष्टगंध भी आप इसमें लगा सकते हैं यदि कुमकुम आपके पास नहीं है। अष्टगंध भी नहीं है तो दोस्तों आप चंदन ले आए, उस चंदन से आप उसको लगा लें और उसको आगे की पूजा अर्चना करने के लिए तैयार कर लें। दोस्तों इनमें से आप कोई भी, तीन में से कोई भी आप एक चीज रख सकते हैं। यदि आपके पास दो कोई भी एक चीज अवेलेबल ना हो, दो ना हो, तो एक चीज आप अवश्य अपने पास रख लें जो आपको आसानी से मिल जाए। हम मान लेते हैं कि आपने कुमकुम से ये उपाय किया है। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप मार्केट से भी इसको लेकर के आ सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज अपने पास लेकर आए मार्केट से, उसके बाद आपको पानी में थोड़ा सा कुमकुम को मिला लेना है। हमने ऐसा माना है कि आप कुमकुम नहीं लेकर आए हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पानी कुमकुम में मिला लेना है। इसके बाद आपको इस पत्ते के ऊपर श्री राम लिखना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक पत्ते पर आपको श्री राम लिखना है। श्री राम लिखने के बाद अपने मन में आपको स्वच्छता बनाए रखनी है, यानी कि आपके मन में कोई द्वेष भाव या फिर कोई भी प्रकार की चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आप एक एक करके सभी पत्तों पर श्री राम लिखेंगे। पहले आप एक पत्ता उठाएंगे, उसके ऊपर श्री राम लिखेंगे और उसके बाद आप दूसरा पत्ता लेंगे और उस पर भी श्री राम लिखेंगे और फिर तीसरे पत्ते पर। इसी प्रकार से आपको 11 के 11 पत्तों पर श्री राम लिखना है। अब जब आप इन सभी पत्तों पर श्री राम लिख देंगे तो उसके बाद इन पत्तों को आपको एक माला बनाना है। माला आप चाहें तो इसके लिए आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए मोली का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि कलावे का यूज कर सकते हैं। जैसे हवन आदि पूजा के समय अपने हाथ में लाल रंग का धागा बांधा जाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन पत्तों को बांधने के लिए तो इन पत्तों से आपको जो माला बनानी है, एक पत्ता ले, उस पर धागा बांध ले, यानी कि ध्यान रखें कि आपको पत्ते में छेद करके नहीं, आपको उसकी डंडी में इसको बांधना है और फिर इसके बाद दूसरा पत्ता ले, वहाँ पर आपको धागा बांध लेना है। पत्ते में जहाँ डंठल होता है, जैसे डंठल बोलते हैं, यानी कि पत्ता पेड़ से जुड़ा रहता है, टहनी के साथ जुड़ा रहता है, वहाँ पर आपको इस धागे को बांधना है। इस तरीके से आपको 11 पत्तों की एक माला बना लेनी है। इसके बाद आपको यह माला लेनी है और इस माला को आपको आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो या बजरंगबली का जो भी मंदिर है उसमें आपको जाना है और उस मंदिर में जाकर बजरंगबली को आपको अर्पित करना है। हो सकता है कहीं पर जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ पर हनुमान जी के गले में ना डाल सके तो आपको उनके चरणों में रख देना है, यानी कि हनुमान जी के चरणों में आपको उसे अर्पित कर देना है। इस प्रकार यह उपाय करते रहे और कुछ समय में आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने लगेंगे। ध्यान रहे, उपाय करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य ना करे, यानी कि अधार्मिक कार्य नहीं करने हैं, यानी कि धर्म से जुड़े रहना है आपको और अधार्मिक कार्य नहीं करने हैं, किसी का विनाश आदि नहीं करना है। जिस टाइम पर आप इसको कर रहे हैं तो वह बहुत ही आसान और खास उपाय है, इसलिए आपको कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं करना है, किसी का अनिश्चित नहीं सोचना है। आप इस उपाय को करते समय ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। इसके साथ ही और भी आसान और खास उपायों को पहचान लेते हैं, जो कि है नारियल का उपाय। नारियल के उपाय को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आपको बाजार में जाना है, नारियल लेकर आना है, नारियल को लेकर आए और उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आप हनुमान के मंदिर में पहुँचने के बाद उस नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार ले, यानी कि 7 बार घुमाकर उतार ले और 7 बार आपको अपने सिर पर से घुमाना है। जब इसको आप घुमाएंगे तो आपको घुमाते ही अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाना है। आपको इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती है उसकी विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। तो इस तरीके से आपको ये अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है और इसके बाद आपको ये नारियल जहाँ जिस हनुमान मंदिर में है उस हनुमान मंदिर के सामने आपको भेंट कर देना है। आप चाहें तो इसे किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गरीब व्यक्ति ना मिले तो आप हनुमान मंदिर में मौजूद हनुमान जी के पुजारी को भी आप इसे दे सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही आपके जितने भी धन संबंधी परेशानियां हैं, जितना भी आपका बुरा समय चल रहा था, वह दूर हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरा भी उपाय आप कर सकते हैं। आपको शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल पर स्वास्तिक बनाना है। आपको एक नारियल लेकर आना है। इसके बाद हनुमान मंदिर में जाएं और स्वास्तिक बनाने के लिए अत्रोलिया केसर का यूज कर सकते हैं, या वो किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपको ये ना मिले तो आप कुमकुम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको
आसानी से मिल जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुमकुम लेकर आए या केसर लेकर आए, आपको पानी में इसे थोड़ा सा मिला लेना है। उसके बाद इसे आपको नारियल पर स्वास्तिक बनाना है, यानी कि पानी को थोड़ा सा इसमें मिला ले ताकि गाढ़ा हो जाए और आप इसे आसानी से बना सके। और स्वास्तिक बनाने के बाद हनुमान जी को इसे आपको अर्पित कर देना है और उसके बाद आपको मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो यह भी बहुत आसान उपाय है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप हनुमान जी को सिंदूर का तिलक करें, जिस प्रकार विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और शनि दोष से भी आराम मिलता है। आपको यह उपाय कैसे करना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपको मार्केट में जाना है और वहां से आपको हनुमान जी के लिए सिंदूर खरीदना है, बिल्कुल शुद्ध सिंदूर लेना है, बिल्कुल नया सिंदूर लेना है। आपको घर में पहले से पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत आसानी से आपको सिंदूर मिल जाएगा। जैसे हम हनुमान जी के सिंदूर बोलते हैं, उसे आप लेकर के आना है, जो केसरी रंग का आपको होता है वही लेकर के आना है। इसके साथ ही आपको एक चमेली के तेल का एक छोटी सी शीशी भी लेकर के आनी है और इसके साथ ही आपको खरीदने के साथ ही आपको दुकानदार भी कुछ सामान देगा, तो आपको वह सब भी लेकर आना है। उसके बाद आपको अपने आसपास किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाएं और बजरंगबली की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं, यानी कि जब आप दुकानदार का सामान खरीदेंगे तो आपको एक केसरिया रंग का एक चोला यानी कि एक लंगोट भी देगा। आपको इस चोले को जरूर चढ़ाना है। आप वहाँ पर मौजूद पंडित जी की सहायता से इस चोले को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप जो हनुमान जी की, बजरंगबली जी की मूर्ति है या प्रतिमा है, उस पर आप इसको चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, जो चमेली का तेल आपने लिया है, आप चाहे तो इस सिंदूर को उसमें मिला सकते हैं या फिर आप पुजारी को भी दे सकते हैं ताकि वे आपकी ओर से चढ़ाता रहे। थोड़ा सा सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर आप वहां जरूर चढ़ाकर आए, बाकी आप पुजारी को भी दे सकते हैं ताकि वह आपके नाम से हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर लगाता रहे। इसके साथ ही अगर आप हनुमान जी को चौमुखा दीपक जलाते हैं तो ये चमत्कारी उपाय है। ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। दोस्तों, क्योंकि आप ये उपाय इस वीडियो को देखने के बाद कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या शनिदेव का नाम या माता रानी का नाम आपको अवश्य लिखना चाहिए। दोस्तों, इससे भी आपको पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपके सभी संकटों के कटने में भी आपको आसानी मिलती है। आपको दोस्तों ये उपाय शनिवार के दिन ही करना है। आपको एक दीपक लेना है, चौमुखा दीपक, यानी कि जिसमें चार मुंह होते हैं, आपको चारों दिशाओं में जो होते हैं उसको लेना है और चारों दिशाओं में इसमें आपको एक एक बत्ती आपको जला देनी है और ये दीपक आपको हनुमान जी के सामने जलाना है। इससे ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपके मन में जैसी भी मनोकामना हो वह जरूरी पूरी हो जाती है। और ये जो दोस्तों बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए दें हमें ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग।